नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। टीएसजी भास्कर, जो कि अंडमान निकोबार टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के कैंपेनिंग कमेटी चेयरपर्सन है, उन्होंने हाल ही में ऑनरेबल कैलकटा हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया और ये पीआईएल जो है वो अंडमान निकोबार के लोगों को 100% जॉब रिजर्वेशन दिलाने के लिए फाइल किया गया। अंडमान में आइलैंडर्स के लिए 100% जॉब रिजर्वेशन का डिमांड काफ़ी पुराना है और ये जो मुद्दा है 100% जॉब रिजर्वेशन का, ये समय समय पर अंडमान के लोग जो हैं वो उठाते रहते हैं। आपको पता होगा हाल ही में जो है अंडमान में 500 से ज़्यादा पोस्ट के लिए, जो ग्रुप सी पोस्ट है उनके लिए जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो कंडक्ट कराया गया, जिसमें कि जो टायर वन एग्ज़ामिनेशन है वो कंप्लीट हो गया और जो टायर टू एंड टायर थ्री जो स्किल टेस्ट होगा वो अभी पेंडिंग है। हम आपको बता दें और भी कई वैकेंसीज़ हैं जो कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में जो है निकलने वाली है। एडमिनिस्ट्रेशन इन वैकेंसीज़ को बहुत जल्दी नोटिफाई करेगा और जिसके लिए जो है अप्रोप्रिएट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन कराएगा। इन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स को देखते हुए और अंडमान में जो अभी वैकेंसीज निकलेंगी उनको देखते हुए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 100% जॉब रिजर्वेशन का जो डिमांड है, जो आइलैंडर्स का डिमांड है, उसको अंडमान निकोबार में लागू किया जाए ताकि अंडमान निकोबार के जो भी बच्चे हैं, जो भी यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, उनको जो है जॉब में प्रायोरिटी मिल सके, उनको जो है रिजर्वेशन मिल सके जॉब में और उनका जॉब जो है प्रोटेक्ट हो सके। हम आपको बता दें अंडमान निकोबार में जो है काफ़ी रिमोट एरियाज़ है जहाँ के बच्चे जो है उनका एजुकेशन एट पार विद मेनलैंड इंडिया नहीं है। पोर्ट ब्लेयर में आप कह सकते हो कि पोर्ट ब्लेयर में जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनका जो एजुकेशन लेवल है एट पार विद मेनलैंड इंडिया आप कंसीडर कर सकते हो, पर अंडमान निकोबार में जो भी रिमोट रीजन्स है, डिगलीपुर से लेके ग्रेट निकोबार तक, इन सब रिमोट रीजन्स में इतनी अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं है कि वहाँ के बच्चे वहाँ के स्कूल्स में पढ़ के मेनलैंड के बच्चों के साथ कम्पीट कर सके, जिसके वजह से यहाँ के बच्चे हमेशा पीछे रह जाते हैं। और हमेशा ये देखा जाता है कि जब भी वैकेंसीज नोटिफाई करता है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन तो मेनलैंड से एक पूरा भीड़ जो है वो उमड़ पड़ता है अंडमान की तरफ, यहाँ पर आकर एग्ज़ाम्स देने के लिए, यहाँ पर आकर जॉब्स लेने के लिए, जिसके वजह से यहाँ के बच्चों को जो है अप्रोप्रिएट जॉब्स नहीं मिल पाते, गवर्नमेंट में उनको जॉब्स नहीं मिल पाते और उनको जो है काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अंडमान निकोबार में जो गवर्नमेंट है वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसके बाद जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री सेकेंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर है। गवर्नमेंट जो है अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा जॉब्स देता है, जिसके वजह से अंडमान निकोबार के गवर्नमेंट जॉब्स, अंडमान निकोबार को बच्चों को मिलना काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। और हम आपको बता दें अंडमान निकोबार में कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा, कोई भी ऐसा रेसिडेंट अंडमान निकोबार का परमानेंट नहीं होगा जो कि 100% जॉब रिजर्वेशन का जो मामला है उसको सपोर्ट ना करता हो। 100% जॉब रिजर्वेशन के मामले को अंडमान में हर एक व्यक्ति जो अंडमान का परमानेंट रेसिडेंट है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पॉलिटिशियन जो है वो सपोर्ट करता है। फिर भी 100% जॉब रिजर्वेशन को अंडमान में अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसके पीछे हम जब भी रीजंस पूछते हैं पॉलिटिशियन से तो उनका अलग अलग जवाब होता है। जो रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस वो कहते हैं कि हमको इसके लिए जो है संघर्ष करना पड़ेगा, अपोजिशन के पॉलिटिशियंस जो है वो रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस के ऊपर ब्लेम डालते हैं और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो है एक प्राइवेट मेंबर बिल भी जो है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया ताकि आइलैंडर्स के लिए 100% जॉब रिजर्वेशन लेके आया जा सके, पर उस प्राइवेट मेंबर बिल से भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और जो उसका टारगेट था 100% जॉब रिजर्वेशन लाने का अंडमान निकोबार में, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सक्सेसफुली वो टारगेट को नहीं पूरा कर सके। और सारे पॉलिटिशियंस इलेक्शन से पहले 100% जॉब रिजर्वेशन को सपोर्ट भी करते हैं, इलेक्शंस के बाद भी जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम 100% जॉब रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं, पर कोई भी पॉलिटिशियन ने आज तक इसमें कामयाबी नहीं पाई है कि वो 100% जॉब रिजर्वेशन अंडमान के बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट कर सके, अंडमान के लोगों के लिए इम्प्लीमेंट कर सके। आज टीएसजी भास्कर ने जो पीआईएल फाइल किया है ऑनरेबल कैलकटा हाई कोर्ट में, ये एक काफ़ी ज़्यादा सराहनीय कदम है। हम कहेंगे सराहनीय कदम इसलिए है क्योंकि एटलीस्ट जो है
हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल होने के बाद हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियल स्टैंड है इस मामले में वो हमें पता चल जाएगा। और अगर कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अंडमान निकोबार के लोगों को 100% जॉब रिजर्वेशन दे, तो ये और सोने पे सुहागा होगा। और इस पीआईएल का मोटिव यही है कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट ये ऑर्डर दे कि वो 100% जॉब रिजर्वेशन जो है वो अंडमान निकोबार में इम्प्लीमेंट करें। और जैसे ही मैंने ये न्यूज़ ब्रेक किया ट्विटर में और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें, काफ़ी लोगों ने टीएसजी भास्कर के द्वारा लिया गया स्टेप को अप्रिशिएट किया और उनको जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया कि वो पहले पॉलिटिशियन बने हैं जिन्होंने जो कोर्ट गए हैं 100% जॉब रिजर्वेशन के मामले को लेकर। और उनका उनके इस कदम को जो है काफ़ी लोग जो है वो सराह रहे हैं अंडमान निकोबार में। और आगे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक केस होगा जिसको निकोबार टाइम्स आपके लिए रेगुलरली ट्रैक करेगा। और टीएसजी भास्कर जो है वो अभी जो है फ़िलहाल पोर्ट ब्लेयर में मौजूद नहीं है और हमने उनको कांटेक्ट करने की भी कोशिश की पर उनका फ़ोन नॉट रीचेबल है और नॉर्थ एंड मिडिल के किसी एरिया में जो है कांग्रेस पार्टी के किसी प्रोग्राम को कनेक्ट करने के लिए गए हुए हैं, जिसके वजह से जो है हम उनका रिएक्शन नहीं ले पा रहे इस पूरे मामले में। तो जैसे ही वो वापस आते हैं पोर्ट ब्लेयर और या जैसे ही हमसे उनका कांटेक्ट होता है तो हम वर्चुअली भी उनका इंटरव्यू लेके उनका जो स्टैंड है पूरा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम अंडमान में अलग अलग जगह जो है जाकर पब्लिक का भी रिएक्शन लेंगे। ये जो पीआईएल फाइल हुआ है कलकत्ता हाई कोर्ट में 100% जॉब रिजर्वेशन को लेकर, इसके ऊपर पब्लिक का भी रिएक्शन लेंगे और आपको पब्लिक का भी रिएक्शन दिखाएंगे। और हम आपको बताना चाहते हैं जो टीएसजी भास्कर के जो एडवोकेट हैं इस केस में वो पीसी दास हैं, सीनियर एडवोकेट हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट दोनों में जो है प्रैक्टिस करते हैं। और उन्होंने पीआईएल फाइल किया है मिस्टर भास्कर के बिहाफ में। तो मिस्टर पीसी दास ने हमको एक रिकॉर्डेड वीडियो स्टेटमेंट जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता के सामने से रिकॉर्ड करके हमको भेजा है जो हम आपके लिए आगे प्ले करेंगे। और उनके एडवोकेट का क्या कहना है 100% जॉब रिजर्वेशन के मामले में वो हम आपको बताएंगे। अंडमान में सबसे जो बड़ा मैटर है जो अंडमान का अनएम्प्लॉयड यूथ जिन्होंने कोई जॉब रिजर्वेशन नहीं थे, तो आज टीएसजी भास्कर बाबू सब अंडमान का जो यूथ अनएम्प्लॉयड यूथ है उसी के लिए एक पब्लिक इन्वेस्टिगेशन केस फाइल हुआ। तो वो केस 6 मार्च 2023 और वो चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट अर्जेंट लीव ग्रांट किया, तो वो मैटर आज डिविजन बेंच ऑफ ऑनरेबल जस्टिस टी एस शिवागनम एंड ऑनरेबल जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य के कोर्ट में एक केस आज हियरिंग हुआ। तो कोर्ट अर्जेंसी सेटिस्फाई होने का बाद सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर को डायरेक्शन दिया ये जल्दी से जल्दी एक केस डिसाइड करने के लिए और मंडे और ट्यूजडे के अंदर में एक केस लिस्टिंग होगा सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर में। उन्होंने आपका पूरा अंडमान का ये जो बर्निंग इशू है ये इशू अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ सेक्रेटरी एवं होम मिनिस्ट्री अभी तक ये डिसाइड नहीं किया था। ये केस का जो इशू है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो यूनियन टेरिटरी फॉर्म हुआ 2 साल पहले उन्होंने उसको अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए 100% जॉब रिजर्वेशन है। इसका मीनिंग यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन इशू किया 2021 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए जिन्होंने 100% जॉब रिजर्वेशन जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रेजिडेंसी है उसी के लिए, वहाँ का आदमी कोई जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब अप्लाई नहीं कर सकता है। तो अंडमान एंशियंट यूनियन टेरिटरी है, अंडमान के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर चीफ सेक्रेटरी भी ये केस में कोई फॉरवर्ड नहीं किया होम मिनिस्ट्री को जे इसका अंडमान का यूनियन टेरिटरी का जितना अनएम्प्लॉयड यूथ है उसी के लिए 100% जॉब रिजर्वेशन। तो टीएसजी भास्कर जो सारा अंडमान आदमी के लिए ये जो पब्लिक इंटरेस्ट डिजिटेशन डाल दिया
अगर हाईकोर्ट कोई ऑर्डर देगा तो अंडमान का सारा अनएम्प्लॉयड यूथ आपको बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, कोई भी जॉब रिलेटेड टू अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोग 100% रिजर्वेशन मिलेगा। बाहर का आदमी जो मेनलैंडर है उसका कोई राइट नहीं है एक ए जॉब अप्लाई करने के लिए। वही इशू के लिए हम लोग एक केस डाला और TSG भास्कर बाबू एक केस का पिटिशनर है। सारा आदमी लोग के लिए सोचने का बाद एक केस आज हाईकोर्ट में मूव हुआ और काकड़ हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच, प्रिंसिपल बेंच से ये हियरिंग होने का बाद अभी सर्किट बेंच को डिसाइड डायरेक्शन दिया ये केस जल्दी से जल्दी डिसाइड करने के लिए। लग रहा है मंडे और ट्यूजडे के अंडर में एक केस का कोई ऑर्डर आपको पास हम प्लेस करेगा। अभी देखता है मंडे और ट्यूजडे क्या होगा, आगे का जो मैसेज है हम आपको दे देंगे।